जेहलम के चौधरी खानदान में भी इख्तलाफ सामने आ गया। भाभी ने देवर को ही निशाने पर रख लिया। कल के मुखालफीन को आड़े हाथों लेने वाली खातून ने अपनों पर भी इल्जामात की बौछाड़ कर दी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने अपने देवर फैसल चौधरी पर इल्जामात आयद कर दिए। शौहर से जेल में मुलाकात न करवाने का जिम्मेदार अपने देवर फैसल चौधरी को करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में हिबा चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि फैसल चौधरी के कहने पे उनकी मुलाकात फवाद चौधरी से नहीं कराई जा रही। उन्होंने लिखा, फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया और फिर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। अडियाला जेल में फवाद चौधरी से मुलाकात नहीं करवाई गई। हिबा फवाद ने इल्जाम आयद किया कि ये सब वकील फैसल चौधरी के कहने पर हुआ। हिबा फवाद ने मजीद लिखा कि उन्हें और उनकी बेटियों को पेशी से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई। उनका कहना था कि ये सब वकील फैसल चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, उनसे पूछें जो भाभी और भतीजों का हक मार रहे हैं।